जिस पशु की जेल अगर हाथ से निकलवाई है तो आप देखेंगे कि वो पशु जल्दी से एक तो हीट में नहीं आएगा दोबारा, ना वो पशु दूध के ऊपर पूरा पीक पे आ पाता है। और सर पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे अगर गाय या भैंस जेल नहीं डालती है तो हमें क्या दवाई देनी चाहिए, क्या देसी नुस्खे उसको देने चाहिए ताकि वह आसानी से अपनी जेल डाल दे और पशु को कोई इन्फेक्शन भी ना हो। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार पशु जेल नहीं डाल पाता तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी नजदीकी डॉक्टर को बुला के पशु चिकित्सक को और हाथ डलवा के जेल निकलवा लेते हैं, जिससे साथियों दो समस्या खड़ी हो जाती हैं जिनका निपटारा करने के लिए पशुपालक को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले तो वो समस्या, साथियों जिस पशु की जेल अगर हाथ से निकलवाई है तो आप देखेंगे कि वो पशु जल्दी से एक तो हीट में नहीं आएगा दोबारा, ना वो पशु दूध के ऊपर पूरा पीक पे आ पाता है, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको तो उस पशु के मेट्राइटिस या पायोमेट्रा होने के बड़े चांस रहते हैं और डॉक्टर का काम साथियों बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों को यह बात नहीं समझ आती कि हाथ डालने से, जेल निकलवाने से जो पशु के अंदर इंफेक्शन होता है वो कितना खतरनाक साबित हो जाता है पशु के लिए। कई बार आप देखते हैं कि डॉक्टर बार बार उसका इंट्रायूट्राइन कर रहा है जब नेक्स्ट टाइम वो हीट पे आने वाला होता है तो, और उसके अंदर से मवाद आता रहता है, बदबू आती रहती है बाड़े से। ये कहीं ना कहीं कारण ये रहता है कि उस पशु की जिसकी हमने जेल हाथ से निकलवाई है पूरी जेल नहीं निकल पाई। तो साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या हम देसी नुस्खे दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं जिससे पशु आसानी से जेल डाल दे। तो मैं आपको बताऊं, जो साइड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है एक्जापार, ये डाबर कंपनी की आती है साथियों, बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। एक लीटर की बोतल ले आए आप, अगर पशु ने जेल नहीं डाली है 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है तो आप इसको 500 ml की डोज या 400 ml की डोज देख ले पशु के शरीर के हिसाब से, 400 ml सफिशियंट रहती है, एक बार पिला दें और उसके बाद 200 ml पिला दें, तो ताकि साथियों पशु जेल आसानी से डाल देगा और जब पशु अपना मैला छाटता है तो वो आसानी से मैला छाटने लग जाएगा और जितना भी प्लेजेंटा का हिस्सा अंदर रह गया है वो बाहर आ जाएगा। और मैं आपको देसी नुस्खे में बताऊं साथियों, तो आपने वहां पे 1 किलो गुड़ लेना है साथियों, 25 ग्राम हल्दी लेनी है, 25 ग्राम जीरा लेना है, 25 ग्राम सौंठ लेनी है आपको, और 50 ग्राम वहां पे अजवाइन लेना है साथियों। और इस सभी को मिला के 3 से 4 लीटर पानी के अंदर अच्छे से उबाल दें और उसको फिर उबालने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए, जब अपने पशु को पिला दें, आप देखेंगे कि पशु 2-4 घंटे में आसानी से जेल डाल देगा। और जब ये हम प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान और भी रखना है साथियों, जो विशेष बात रहती है पशुपालन के अंदर, लोगों की भ्रांति ये रहती है कि जब तक पशु जेल नहीं डालेगा हम ना तो बच्चे को दूध पिलाते हैं और ना ही हम उसका दूध निकालते हैं। आपको करना क्या है, जब पशु ने देखा आपने ब्याज 2-2.5 घंटे हो गए और लवारा आसानी से खड़ा हो गया है तो उसको दूध पीने के लिए छोड़ दें। जब वो जाके थनों में इंस्टॉलेशन करेगा तो वहां से पशु के दिमाग में एक मैसेज जाता है, उसे ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है साथियों, और ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन का बड़ा रोल रहता है जेल डलवाने के अंदर। वो मैं बताऊं आपको कैसे, कि जब ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रिलीज हो जाता है पशु के शरीर में तो बच्चादानी के अंदर संकुचन होने लगता है, वो हिलने लगती है अंदर से। जब मानो कि वो थोड़ी सी देर बाहर थी और बच्चादानी अंदर से हिलनी स्टार्ट हुई तो जेल चलने के चांस है वो 100% बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में। और दूसरी आपको इसमें काम की बात मैं और बता देता हूं, कई भाई क्या करते हैं ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन बाहर से पशु को लगा देते हैं जो कि पशु के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। अगर हमने पशु को ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन बाहर से दे दिया तो जब नेक्स्ट टाइम पशु पावसेगा, पावसने में दिक्कत करने लग जाएगा, वह उस इंजेक्शन के बगैर साथियों पावसेगा नहीं, जिससे पशुपालक भाइयों को बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, नंबर वन बात, कभी हाथ से जेल नहीं निकलवानी पशु की, वहां पे ट्रीटमेंट करवाओ आप पशु का, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सी मेडिसिन आती है, बहुत से इंजेक्शन आते हैं वो आप यूज करवा सकते हैं डॉक्टर से। जहां तक पार बसाए आपने कभी भी हाथ से जेल नहीं निकलवानी पशु की, अगर पशु की हाथ से जेल निकलवाई है तो वहां आप देखेंगे बड़ा खतरा रह जाता है पशु के लिए, पशु में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर करें, अच्छा प्यार दें साथियों, चैनल को आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। जय गो।